हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कोकोनट के लड्डू। कोकोनट लड्डूज आर वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट ऑफ ऑल इंडियन स्वीट्स रेसिपीज। इनको बनाना बहुत ही आसान होता है, सिंपल, क्विक एंड इजी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये रेसिपी। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन, बिकॉज मैं आप लोग के लिए इसी तरह से झटपट बन जाने वाली क्विक एंड ईजी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट, देसी घी, मिल्क एंड शुगर। मैं आपको एक बार क्वांटिटी भी बता देती हूँ। 2 कप्स ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट, 2 टेबल स्पून देसी घी, 1 कप मिल्क एंड 1 कप शुगर। आप जिससे भी मेजर करें, कप या बोल, तो वो एक ही साइज का रखिएगा सारे इंग्रेडिएंट्स को मेजर करने के लिए, सो मेजरमेंट एकदम करेक्ट आएगा। यहाँ पर मैंने एक हैवी बॉटम वाला पैन लिया है। यूज अ हैवी बॉटम पैन एंड ऐड 2 टेबलस्पून ऑफ देसी घी। और अब ऐड करेंगे ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट। ये कोकोनट आपको इजीली किसी भी सुपरमार्केट और ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा। यू कैन आल्सो ऑर्डर ऑनलाइन। अब हम इसको कुक करेंगे एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स, ताकि घी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और एक नटी अरोमा भी आने लगे। इस पॉइंट पर हम डालेंगे मिल्क। मिल्क डालने के बाद हमें कोकोनट को कुक करना है टिल द मिल्क गेट्स अब्सॉर्ब्ड, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 मिनट्स। कुछ टाइम के बाद जब ये मिल्क अब्सॉर्ब कर लेगा तो इसका टेक्सचर क्रम्बलिंग होने लगेगा, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। इस गिवन पॉइंट पर हम ऐड करेंगे शुगर। After adding sugar, keep stirring it continuously as sugar might stick to the bottom of the pan. जैसे जैसे ये कोकोनट कुक होता जाएगा, ये एक बॉल फॉर्म में स्ट्रक्चर होता जाएगा। मेक श्योर यू कुक कोकोनट वेरी वेल। शुगर डालने के बाद मैंने ऑलमोस्ट 8 मिनट्स इसको कुक किया है और अब ये बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ये कैसे बॉल फॉर्म में स्ट्रक्चर हो चुका है। अब मैं टर्न ऑफ कर रही हूँ। अब हमारा कोकोनट का मिक्सचर एकदम रेडी है। अब हम इसको ठंडा करेंगे। हमें बहुत ठंडा नहीं करना, उतना ही ठंडा करना है जितना कि इसको हम हाथ में लेकर इसके लड्डू बना सकें। गुनगुना रखना है। अब बनाएंगे इसके लड्डू। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े लड्डू बना सकते हैं। और अब मैं इसको कोट करूंगी ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट से। बहुत जेंटली रोल करें ताकि लड्डुओं का शेप खराब ना होए। तो आपने देखा ये लड्डू कितनी जल्दी बन जाते हैं और इनको बनाना कितना आसान है। आप किसी भी फेस्टिवल ओकेजन में इनको बना सकते हैं। ट्राई दिस रेसिपी फॉर रक्षाबंधन सेलिब्रेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।